हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल में आज ओपन कॉल का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके अगेंस्ट आज ही मेरिट लिस्ट आ गई। तो थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या आज, पर फिर भी जो भी हुआ है चलो मैं आपको बता तो देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये आपको समझा देता हूँ कि ओपन कॉल हुआ जो आज, इसका मतलब क्या है। तो एक नोटिस रिलीज हुआ दोपहर में, जिसके अगेंस्ट फिजिक्स के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं या कुछ एक कोर्सेज और हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं फिजिक्स के बारे में बात करूँ। फिजिक्स में जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने हिमाचल के लिए अप्लाई किया है, अगर वो वैकेंट सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एक फॉर्म इन्होंने यहाँ पे अटैच करके दिया था। इस नोटिस के अंदर इन्होंने वैकेंट सीट की डिटेल्स दी थी कि ओपन यूआर कैटेगरी में 8 थी, ओबीसी में 2 थी, एससी में 2, एसटी में 1 और सेल्फ फाइनेंस में 1, ये सीट इनके पास वैकेंट थी। और जो मेरिट लिस्ट आ रही थी उसके हिसाब से जो मैं एनालिसिस कर रहा था, मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि इसका भी नहीं होगा, ये खाली जाएगी। तो वो मेरिट लिस्ट लगातार चल रही थी, तो इन्होंने ऑफलाइन काउंसलिंग कराने के बजाय इन्होंने जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थ्रोली है ना पूरी मेरिट लिस्ट के अंदर, उनको एक ऑप्शन दे दिया कि आप ये जो फॉर्म इसके साथ अटैच है इसको फिल कर सकते हो शाम 5 बजे तक, आज शाम 5 बजे यानी कि 24 अगस्त तक फिल कर सकते हो। और वो जो कैंडिडेट होंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे होंगे, यानी कि उनकी पहले मेरिट लिस्ट बना के और फिर एक लिस्ट निकाल देंगे लो मार्क्स पर, यानी कि काउंसलिंग नहीं कराएंगे ऑफलाइन काउंसलिंग, लो मार्क्स उन्हीं में से मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। उनको अगर एडमिशन लेना होगा तो ठीक है, नहीं तो उनके पीछे वाले बच्चों को और बुला लेंगे। तो ऐसा हुआ। तो यहाँ पर ये ओपन कॉल की जो मेरिट लिस्ट दिखाई गई है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिखाई गई है ओपन में 8, ओबीसी में 2, एससी में 2, एसटी में 1 और सेल्फ फाइनेंस में 1। हालांकि ये फिर खाली होनी है, मैंने आपको पहले बताया था कि भरेगी नहीं, ये तो शायद फिल हो जाए, पर आगे से जो पहले फिल हो रखी है वो खाली होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि अब सबके रिजल्ट आने लग गए तो वो खाली होगी। तो इस ओपन कॉल में कुछ ऐसा परफॉर्मा था, ये परफॉर्मा आपको फिल करना था, जिन भी बच्चों ने रजिस्टर किया होगा उन्होंने भरा होगा। ये नाम था डॉटर ऑफ या सन ऑफ, फॉर्म नंबर आपका जो सीयू हिमाचल का फॉर्म नंबर था वो क्या था, कैटेगरी कौन सी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आप सेल्फ फाइनेंस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ये परफॉर्मा फिल करके आपको ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पे मेल करना था शाम को ही और फिर 4 बजे तक, और उसके अगेंस्ट फिर इन्होंने मेरिट लिस्ट भी रिलीज कर दी। ये बहुत ही जल्दबाजी का प्रोसेस था, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये मेरिट लिस्ट जब इन्होंने रिलीज की तो इसमें देखो आप कट ऑफ कितनी नीचे आ गई है, 157, 146, 142, 133 तक आ गई है। हालांकि इन बच्चों ने जिनका ओपन कॉल में नाम आया है उनको कल दोपहर 12 बजे तक अपनी फीस सबमिट करनी होगी, दोपहर सुबह 11 बजे तक अपनी फीस सबमिट करनी होगी। और फीस सबमिट करने के बाद जो फीस की रिसिप्ट है वो HOD को मेल करनी होगी और 12 बजे तक जो वैकेंट सीट की डिटेल्स है वो आ जाएगी वेबसाइट के ऊपर, है ना। अगर इन बच्चों को एडमिशन लेना है तो कल सुबह 11 बजे तक फीस सबमिट करनी होगी, नहीं करते हैं तो फिर ये जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं इनके लिए कल ही लिस्ट रिलीज होएगी शाम, जितने भी वैकेंट सीट आएगी उसके अगेंस्ट इन बच्चों में से जो इस वेटिंग लिस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं इन बच्चों में से लिस्ट रिलीज हो जाएगी किसके लिए, एडमिशन के लिए। तो ये तो बात होगी फिजिक्स की, तो फिजिक्स को तो दिया इन्होंने निपटा ना, फिजिक्स तो ऑलमोस्ट अब निपट जाएगा क्योंकि इसमें बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे हैं सारे, तो अब इन्हीं में से लेना है इनको, जितनी भी वैकेंट सीट खाली होती जाएंगी सबको इनमें से ही निपटाते जाएंगे, यानी कि ये इनमें से ही फिल कर देंगे। अब जिनके जो बीच में जिन्होंने ये फॉर्म भर दिया तो वो तो फायदे में रह गया और जिन्होंने नहीं भरा है वो लटक गया। अब जो मेरिट लिस्ट निकालेंगे वो यहीं से निकालेंगे उठा। फिजिक्स में कुछ एक कोर्स की और आई थी, किस कोर्स की, ये मैथमेटिक्स में सेल्फ फाइनेंस के अंदर इन्होंने ओपन कॉल का करा था, सेम प्रोसीजर था। और ये सेम प्रोसीजर के बाद इन्होंने ओपन कॉल के लिए 24 तारीख को कर दिया था, ये 23 तारीख को निकाल दिया थे इन्होंने सेल्फ फाइनेंस में। और ये इस तरह से फॉर्म फिल कराया था इन्होंने सेल्फ फाइनेंस का। और ये एक और सेल्फ फाइनेंस सीट में बॉटनी के प्लांट साइंस के लिए भी सेल्फ फाइनेंस का ओपन कॉल कर दिया था इन्होंने, और इनके लिए भी 24 तारीख तक सुबह 11 बजे तक फीस, 25 तारीख सुबह 11 बजे तक फीस सबमिट करनी है इनको भी, और 50,000 रुपये इनकी फीस है। और इसमें जो स्टूडेंट्स के नाम हैं ओपन कॉल के लिए, ये 2 नाम हैं जिनके सिलेक्शन हुए हैं, अगर ये फीस सबमिट कर देते हैं 50,000 रुपये कल तक सुबह 11 बजे तक तो ठीक है, नहीं तो ये वेटिंग लिस्ट में बढ़ जाएगा सेल्फ फाइनेंस में। फिर अगर उसके बाद बात करें तो प्लांट साइंस बॉटनी में भी सेल्फ फाइनेंस का इन्होंने निकाला था, और
इसके लिए भी सुबह 11 बजे तक फीस सबमिट करनी है, और इसमें दो वैकेंट सीट थी, इसकी लिस्ट इन्होंने निकाली कि नहीं निकाली वो देखना पड़ेगा। तो ये ओपन कॉल की मेनली तो जो रेगुलर सीट्स पे है वो फिजिक्स में है, बाकी तो सब सेल्फ फाइनेंस में ओपन कॉल का निकला। तो ओपन कॉल वाला सब एक बार चेक कर लेना अपने अपने कोर्सेज में। फिजिक्स में जिन्होंने ओपन कॉल में भरा है फॉर्म, अब वो हो सकता है फायदे में आ जाए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सब लो मार्क्स वालों का हुआ है। आप देख सकते हैं सब लो मार्क्स वालों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये अनफेयर हो गया, हुआ तो अनफेयर ही है, मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, 3 घंटे के छोटे से विंडो ओपन करके आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब किसी के पास इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, जो रेगुलर विजिट कर रहा है, और जिसने नहीं देखा वो लटक गया। तो आप इस लिस्ट में देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 150 से और 140 वाले हैं, जो वो सब गायब हो गए, यानी कि जो 160 से और 140 की रेंज में हो सकते थे, जो बच्चे जिनका इसमें नाम हो सकता था वो सारे के सारे लटक गए, क्योंकि लिस्ट में नाम ही 131 तक आ गया। यहाँ से यहाँ पे ये 133 तक हो गई, और फिर ये कहाँ तक आ गई, नीचे तक आ गई। खैर ठीक है, जो भी है, तो ओपन कॉल अभी फिजिक्स में हुआ है, तो हो सकता है कि आगे एक दो दिनों में बाकी जो कोर्सेज हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगा, लाइक केमिस्ट्री और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है, मैथमेटिक्स में ओपन कॉल आपको देखने को मिल सकती है। तो था तो ये बहुत अनफेयर सा कुछ, पर अब जो भी है, तो एक बार अपना नाम इसमें ज़रूर चेक कर लेना जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, और कल सुबह 11 बजे तक फीस सबमिट करनी है। बाकी जो वेटिंग लिस्ट में है वो इसको चेक करते रहना, और बाकी कोर्सेज के लिए आप वेबसाइट को ज़रूर चेक करते रहना, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं होती। तो एक दो दिन, ये 3-4 दिन लगातार आप चेक करते रहना, और टाइमिंग भी बता दूँगा आपको, सुबह जो ऑफिशियल टाइमिंग होती है 10 बजे से और 5 बजे तक की, उसमें ज़रूर ये वेबसाइट चेक करते रहा करो जिसमें तुम लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि ऐसे कोई इनका पब्लिक अनाउंसमेंट तो ऐसे कोई सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको चेक करना पड़ेगा वेबसाइट्स को। अगर मेरे भरोसे बैठे हो तो मैं भी कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज आने के बाद ही करता हूँ, तो मेरा भी एक पर्टिकुलर टाइम है, उसके बाद ही आप लोगों को बता सकता हूँ ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो फीस सबमिट कराना चाहता है तो कल सुबह 11 बजे तक, बाकी वेटिंग लिस्ट वाले कल शाम को अपनी जो लिस्ट आएगी उसको चेक कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।